ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रिक्शन। वन मोर टाइम अपन पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखो, अगर अपन ने किसी बुक वगैरह को किसी सरफेस पे रख दिया है ना, तो आप बोलोगे सर ये सरफेस पे कुछ रीजन है जो कांटेक्ट पे आ जाएगा। इसको अगर आप है ना, इस रीजन को अगर आप थोड़ा और इन डिटेल जाकर पढ़ते हो ना, सो यू नीड टू से लाइक दिस कि सर यहाँ पर ना चार्ज पार्टिकल की वजह से इंटरलॉकिंग डेवलप होने लग जाती है, और जैसे ही इसको आप डिस्टर्ब करोगे राइट साइड में, तो इंटरलॉकिंग अपने आप में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, और उस रिस्टोरिंग फोर्स को बच्चों अपन लोग नेक्स्ट पेज पे इस तरह देख रहे हैं। देखो, राइट साइड में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, या फोर्स की टेंडेंसी रहेगी राइट साइड जाने की। तो बोलोगे हाँ सर इतना समझ में आ रहा है अपन को। तो देखो, ये जो आर बन रहा है ना, ये बन रहा होता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग। ड्यू टू, बोलो बच्चे लोग, ड्यू टू इंटरलॉकिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब इस आर का एक कंपोनेंट रहेगा जिसको आप बोलोगे एम, ये नॉर्मल, और दूसरा कंपोनेंट रहेगा बच्चों फ्रिक्शन। तो एक कंपोनेंट पैरेलल होता है, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है। किसके पैरेलल परपेंडिकुलर आ रहा है ये सरफेस के पैरेलल या परपेंडिकुलर आ रहा है? देखो इन दोनों के, इट इज इधर पैरेलल और इट इज इधर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहां तक ना? तो परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ये वर्ड ऐड कर देता हूँ, द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ नेट रिएक्शन इज नोन एज नॉर्मल एंड द पैरेलल कॉम्पोनेंट ऑफ नेट रिएक्शन इज नोन एज फ्रिक्शन। इन दोनों के साथ साथ अगर मैं यहीं पर पूछूं कि बच्चों ये पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कर लोगे, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा क्या? तो बोलोगे यस सर हो जाएगा। यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस पे कौन बना हुआ है? आर बना हुआ है। तो आप बोल ही सकते हो ना कि आर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? बोलो, एफ एस का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। यहां से आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर, बोलो। तो आर स्टैंड्स फॉर नेट रिएक्शन ऑन दैट सरफेस, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। ज्यादा थोड़ी सोचना है बच्चों यहाँ पे अपन को, है ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको थीटा से देखोगे बच्चों आप लोग, वही जो 2 सेकंड पहले अपन ने पढ़ रखा है ना। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट पर बच्चों ये इस तरह का सरफेस था हमारे पास, है ना? देखो, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इन द राइट हैंड डायरेक्शन, तो बच्चों आपको तो मालूम है ना कि यहां से नेट रिएक्शन कहाँ मिल रही होती है। बोलोगे सर ये रहा रिएक्शन, फिर नॉर्मल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। फ्रिक्शन क्या बन जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, इस डायरेक्शन में। यहां तक का क्लियर है? ये हो गया आर, ये हो गया एन, और ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन। जो एंगल बन रहा है ना बच्चों नॉर्मल रिएक्शन में और नेट रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं, बोलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां लिख सकते हो द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट रिएक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट रिएक्शन इज नोन एज, बोलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। बच्चों यहां पे टेन थीटा लगा के बताओ कितना आएगा? एनीवन, व्हाट इज टेन थीटा? सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यहां क्या हो जाएगा? बेस। तो ये हो जाएगा एफ एस डिवाइड बाय एन। नहीं हुआ क्लियर? ये हो जाएगा एफ एस डिवाइड बाय एन।